हेलो एवरीवन, टुडे आई विल डिस्कस इन फिन्स बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हीट ट्रांसफर का। और आपका बहुत ही प्यारा चैनल जैसे यूट्यूब चैनल, यहां पे हम देखेंगे बच्चों फिन्स और उसके फिन्स के क्या पार्ट हैं और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यहां से देखोगे बहुत ही अच्छा टॉपिक है। हाँ, बस कुछ न्यूमेरिकल पार्ट है, कुछ कैलकुलेशन पार्ट है, वो भी देखेंगे चीज़ों को लेकर आसानी से वो भी आसानी से कर देंगे। कोई बात नहीं, हम हेडिंग डालते हैं बच्चों फिन्स चैप्टर टू का आपके पास पार्ट है। अब देखो फिन्स होता है क्या बच्चों। फिन्स बच्चों कोई भी आपके पास, जैसे कहूँ आपके पास, अगर मैं पंप की बात करता हूँ या ऐसे रेडिएटर की बात करूँगा या जनरेटर की बात करूँगा या ऐसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जिसमें क्या होते हैं बेटो, वो हीट हो जाता है। और हीट ट्रांसफर के लिए हमें एक एक्सट्रूडिंग सरफेस देना पड़ता है, जिसका सरफेस क्या होना चाहिए, जो एक्सट्रूडिंग सरफेस मतलब बाहर निकला हुआ सरफेस होना चाहिए, उसका थिकनेस वगैरह ज़्यादा होना चाहिए, जो प्रॉपर हीट ट्रांसफर कर पाए। जैसे देखो, अगर मैं कहूँ ये बच्चों ये सेप देख रहे हैं, अगर ये सेप सपोज पंप का है तो पंप के ऊपर देखोगे आप जो भी ऐसे ऐसे पार्ट निकले होते हैं, देखेंगे आप जो पंप वगैरह देखे होंगे, जो टुल्लू पंप होते हैं, तो वहाँ पे देखोगे ऐसे सरफेस निकले होते हैं। वो क्या है बच्चों, वहाँ पर फिन है। क्यों? ये एक्सट्रूडिंग सरफेस है और इसकी कुछ थिकनेस होगी और जिससे क्या होगी, वो हीट ट्रांसफर करेगी आसानी से बाहर, यानी सराउंडिंग यानी एम्बिएंट की तरफ क्या करेगी, वो हीट ट्रांसफर करेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि प्रॉपरली हीट ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है फिन्स। ठीक है, तो फिन्स बेसिकली क्या है, देखो हर सरफेस यानी जो भी पार्ट होंगे, मशीन होंगे, एक्सट्रूडिंग पार्ट होते हैं, एक्सट्रूड मतलब उभरा हुआ पार्ट होता है यहाँ बच्चों। ठीक है, और ये जो थिकनेस होती है शीट वगैरह जो भी होते हैं, हो सकता हो थिकनेस अलग अलग टाइप होता है, ट्रेपेजॉइडल शेप हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, अलग अलग डिफरेंट शेप हो सकते हैं। मेन पर्पज क्या होता है इसका, हीट ट्रांसफर करना। क्योंकि अगर मशीनिंग इक्विपमेंट से कहाँ ले जाना, हीट ट्रांसफर करके बाहर ले जाना सराउंडिंग में, जिससे हमारा क्या हो, मोटर हो, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो या जो भी हैवी वगैरह आपके मशीन्स हो, वो सेफ रह जाए, क्या हो, सेफ रह जाए। तो फिन्स का मतलब हुआ बच्चों हीट को ट्रांसफर करना, यानी हाई हीट ट्रांसफर कैपेसिटी होना चाहिए, ऐसे मटेरियल लगाना चाहिए जिससे वेल्ड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, एक्सट्रूड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इन मटेरियल को बोलेंगे बच्चों फिन्स। क्या बोलेंगे? फिन्स। बेसिकली फिन्स के बारे में पढ़ने हैं, फिन्स कैसे हीट ट्रांसफर करते हैं, अलग अलग आपके पास क्या है, अलग अलग वैरायटी देखेंगे, लॉन्ग फिन होगा, इनफाइनाइट फिन होगा, उसके बाद इंसुलेटिंग फिन होगा, तो डिफरेंट फिन होंगे यहाँ पर ऐसे यूज हो जाते हैं। तो फिन का मतलब बच्चों समझ में आया, फिन का मतलब होता है बच्चों हीट ट्रांसफर करना किसी मशीनिंग इक्विपमेंट से कहाँ, सराउंडिंग बाहर, जिससे आपका जो मशीनिंग इक्विपमेंट्स हो क्या वो सेफ बच सके। ठीक है, हाई हीट ना हो, हाई गर्म ना हो, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। ठीक है, तो ये जो होता है बच्चों कैसे ट्रांसफर होता है, वो कन्वेक्शन के थ्रू ट्रांसफर होता है। कैसे होता है? कन्वेक्शन के थ्रू ट्रांसफर होता है। तो हीट ट्रांसफर जो होगा इसमें कैसे होगा, कन्वेक्शन के थ्रू हो जाएगा हीट ट्रांसफर। जो होगा आपके पास हीट ट्रांसफर यहाँ पर वो होता है कन्वेक्शन के थ्रू होता है। ठीक है, ड्यू टू कन्वेक्शन, कन्वेक्शन से क्या होगा, हीट ट्रांसफर हो जाएगा। जब कन्वेक्शन हो जाएगा तो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट का रोल आएगा और हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल बन जाएगा। किसमें? इस फिन्स में। ठीक है, किसमें बनेगा? इस फिन्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल बन जाएगा फिन्स में। चलिए आगे देखते हैं, फिन्स की बात करेंगे, कैलकुलेशन की बात करेंगे। तो ये आपके पास फिगर दिख रहा बच्चों, ये फिन्स है, ये वाला फिगर देखो आप। ठीक है, ये है फिन्स बेस, जो बेस है ये बेस देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला पोर्शन बेस है। बेस के ऊपर फिन्स लगाया गया है भाई, बेस के ऊपर क्या लगाया गया, फिन्स लगाया गया है। मैंने ये वाला पोर्शन लेता हूँ बेस, और ये वाला पोर्शन क्या लेता हूँ, ठीक है, क्या लेता हूँ, ये फिन्स है। ठीक है, ये फिन्स है। देखो यहाँ पर देखेंगे, एक एक चीज देखेंगे। चलिए अगर मैं बच्चों सिंपल सा ले लूं, अगर मैं फिगर बनाता हूं फिन्स का, तो देखोगे ये रही आपके पास बेस और ये रहेगा उभरा हुआ पार्ट जिसे बोल देंगे फिन्स, और ये रही बेस, और ये रहा आपके पास बेस, और ये बाहर वाला पार्ट होगा जो फिन्स। यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा, सराउंडिंग होगा, इनफाइनाइट होगा, इसे बोलेंगे सराउंडिंग या एम्बिएंट टेम्परेचर। ओके, मान लो एम्बिएंट और सराउंडिंग टेम्परेचर,
सराउंडिंग टेम्परेचर। और ये रही उभरा हुआ पार्ट जो आपके पास शूटर पार्ट है, बेस हो गया। बेस का टेम्परेचर जो होता है आपके पास, ठीक है, इसे बोलते हैं बच्चों वॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉल भी बोलते हैं, ठीक है, तो वॉल भी बोलते हैं। ये आपके पास गिवन हो गया। टेम्परेचर कहीं भी जाएंगे, किसी भी सेक्शन पे जाता हूँ बच्चों मैं एक्स डिस्टेंस पर, यहाँ से कलर से देखो कोई भी सेक्शन जाता हूँ एक्स पर, और यहाँ पे फोकस करूँगा कोई भी डिस्टेंस पर, हीट ट्रांसफ़र कैसे हो रही है, यानी डी एक्स लेंस में कैसे हो रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर जो टेम्परेचर का कर है, और इस जो आपके पास इस मटेरियल का टेम्परेचर है यानी कि बेस का टेम्परेचर क्या आपके पास गिवन है, टी। क्या है? टी, ठीक है। तो इसका जो टेम्परेचर होगा आपके पास गिवन है टी, और बाहर का टेम्परेचर टी इन्फिनिटी। यहाँ से हीट ट्रांसफ़र होगा बच्चों यहाँ पर क्यू एक्स हो जाएगा। इसके बाद क्या हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा? क्यू एक्स प्लस टी एक्स लेंस में हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से फोकस करने के बाद अब देखेंगे यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, और जो बेस टेम्परेचर है इसको बोलेंगे टेम्परेचर टी नॉट, बाहर का टेम्परेचर टी इन्फिनिटी, और किसी पॉइंट पर टेम्परेचर मैंने ले लेता हूँ उसके अंदर वो हो जाएगा टी। बोलो, इतनी इन्फॉर्मेशन हमको मिल चुका है। चलिए तो अब देखेंगे इसमें जो हीट ट्रांसफर होगा कैसे हीट ट्रांसफर होता है। मैंने बताया था कन्वेक्शन के थ्रू होता है। कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर आपको पता होगा कैसा होता है, एच ए टी ट्रांसफर होता है कन्वेक्शन का। ये कन्वेक्शन का हीट ट्रांसफर हो गया, तो इसमें जो हीट ट्रांसफर होगा कन्वेक्शन के थ्रू होगा वो कितना हो जाएगा, एच एरिया। बच्चों क्या लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, एरिया जो होता है पेरीमीटर मीटर इंटू डी एक्स लेंथ हो जाएगा, पेरीमीटर डी एक्स हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा। अब टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर निकाल रहे हैं और इन्फिनिटी के टेम्परेचर से देख रहे हैं, ये हो जाएगा एच पी टी माइनस क्या हो जाएगा टी इन्फिनिटी, ठीक है। इतना हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन हो रहा है। चलिए ये तो गई फिन के बारे में, ऐसा पार्ट होता है, हमें एक एक पॉइंट याद रखना है। आपको याद रखना है कि जो बेस का टेम्परेचर है टी नॉट होगा, बाहर का टेम्परेचर टी इन्फिनिटी होगा, एक पॉइंट इसके अंदर ले लिया गया उसका टेम्परेचर टी है, और यहीं से क्यू एक्स यानी कि हीट फ्लो रही है, क्यू एक्स प्लस डी एक्स कंडक्शन यहाँ से निकल जाएगा, और कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफर आपसे बोला जाए टी जो होगा आपके पास पेरीमीटर है बच्चों, पेरीमीटर आपको निकालने आता ही है, पेरीमीटर है आपके पास ये टी माइनस टी इन्फिनिटी आपके पास क्या हो जाएगा का टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर ये है गिवन। आगे चलिए एजम्पशन की बात करेंगे, तो क्या क्या एजम्पशन होना चाहिए, एजम्पशन क्या क्या लेंगे हम कैलकुलेशन के समय, यहाँ से ये भी पता होना चाहिए। तो फिन्स होना चाहिए होमोजेनियस होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो फिन्स होना चाहिए आपके पास होमोजेनियस एंड आइसोट्रॉपिक, कैसा होना चाहिए, आइसोट्रॉपिक मटेरियल का होना चाहिए। चलिए ये तो पहला हो गया, दूसरी बात करेंगे, ठीक है, तो ये होना चाहिए हीट ट्रांसफर कोफिशियंट वो होना चाहिए आपके पास यूनिफॉर्म होना चाहिए, ये वेरिएशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, और इसके अंदर नो हीट जनरेशन होना चाहिए, कोई हीट जनरेशन नहीं होना चाहिए, नो हीट जनरेशन। और बच्चों क्या इंजेक्शन होना चाहिए, ठीक है, थर्मल रेजिस्टेंस जो होगा आपके पास, थर्मल कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस, नेग्लेजिबल होना चाहिए, और वन डायमेंशन क्या होना चाहिए, हीट कंडक्शन होना चाहिए, ठीक है। इतना पार्ट हमें लेना है और चीजों को लेकर देखेंगे, और कंडीशन जो होना चाहिए, और एक लिख लो इसमें स्टडी स्टेट कंडीशन होना चाहिए, टाइम के साथ वेरिएशन नहीं हो रहा होना चाहिए, स्टडी स्टेट भी होना चाहिए, स्टडी स्टडी
स्टेट कंडीशन। तो ये चीजें इंजेक्शन लेंगे, इंजेक्शन करते करते होमोजीनियस होना चाहिए, आइसोट्रोपिक होना चाहिए, यह यूनिफॉर्म होना चाहिए, हीट जनरेशन नो हीट जनरेशन होना चाहिए, थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस तो इसमें नेग्लिजिबल होना चाहिए, वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन जो होगा एग्जिस्ट होना चाहिए, और स्टडी स्टेट कंडीशन होने को फॉलो करना चाहिए। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। सिंपल सा चलिए थीटा जो लेते हैं बच्चों, इसमें थीटा एक सिंबल देते हैं, थीटा ये टेम्परेचर डिफरेंस है, थीटा थीटा जो है आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस है। और थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है टी माइनस, क्या हो जाएगा, थीटा का मतलब हो गया टी माइनस टी इन्फिनिटी, टेम्परेचर ऑफ फिन और सराउंडिंग का टेम्परेचर का क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा टी इन्फिनिटी। ठीक है, क्या आ जाएगा टी इन्फिनिटी। अगर बच्चों यहीं पर मैं थीटा नॉट ले लूँ तो क्या होगा, थीटा नॉट ले लूँगा तो इसका मतलब हो गया टी नॉट माइनस टी, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, थीटा अगर सिर्फ दिया होगा, थीटा मतलब सिर्फ टेम्परेचर की बात करेंगे, और थीटा नॉट दिया है तो यहाँ पर टी नॉट आ जाएगा, टी इन्फिनिटी वैसे ही होने वाला है आपके पास। क्या थीटा नॉट टेम्परेचर डिफरेंस है, ये जो बेस यानी वॉल का टेम्परेचर वर्सेस कहाँ पे है, अरे ये वॉल बताया था बच्चों, यहाँ से देखो आपका सिंपल सा कहाँ गया, ये देखिए टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी वॉल का टेम्परेचर, बेस का यानी कि वॉल का टेम्परेचर है और सराउंडिंग टेम्परेचर का डिफरेंस। अगर ये थीटा निकालना है तो टी यानी जो फिन का टेम्परेचर है और बाहर का टेम्परेचर का डिफरेंस थीटा, आपके पास थीटा हो जाएगा, दोनों टर्म आपके पास गिवन है। ठीक है, हाँ टी नॉट जो है बच्चों यहाँ पर ये वॉल का टेम्परेचर, वॉल टेम्परेचर, ठीक है क्या लिख लो सीधे सिंपल सा, वॉल टेम्परेचर, और ये जानते हैं कहाँ का है, सराउंडिंग है, एम्बिएंट है, एटमॉस्फेरिक है, और टी क्या है, ये फिन का टेम्परेचर है, फिन टेम्परेचर, समझ आया, बोलो। ये दोनों चीज़ें हमको पता होना चाहिए, थीटा कब होता है, थीटा नॉट कब होता है, ये चीज़ें हमको गिवन होना चाहिए। यहाँ से बच्चों थीटा का एक रिलेशन आता है जिसे बोलेंगे टी माइनस टी इन्फिनिटी का रिलेशन आता है, जिसे बोलते हैं सी वन, सी वन टी टू पावर क्या हो जाएगा आपके पास माइनस एम एक्स प्लस सी टू क्या हो जाएगा ई टू पावर प्लस एक्स। डिफरेंशियल इक्वेशन है, टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है, किसके C1 C2 कांस्टेंट है आपके पास, C1 एंड C2 बच्चों क्या मिलेगा आपके पास कांस्टेंट है, और E एक्सपोनेंशियल है पावर है, और M M बच्चों क्या है, M है आपके पास इसे बोलेंगे स्लोप, M को क्या बोलेंगे, हाँ स्लोप, और M की वैल्यू एक लो बहुत इंपॉर्टेंट है, M जो होता है आपके पास स्लोप, और स्लोप की जो वैल्यू होती है यानी कि कहने का मतलब m की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट एच ए एच पी और एरिया जो होगा ये क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, यस वाला क्रॉस सेक्शन। पाते हैं m क्या है, चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए, m निकालते हैं एम एच हो गया, कहने का मतलब बच्चों जो एम है आपके पास निकाला तो अंडर रूट एच पी, एच पी क्या आया एरिया तो लेंगे क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो एच आपके पास पता है हीट ट्रांसफर कोफिशियंट, बोलो हीट ट्रांसफर कोफिशियंट, और बचा क्या पी क्या है पेरीमीटर,
और बच्चों क्या है, ए क्या है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, लिखवा दिया मैंने सब, ए में कंफ्यूजन नहीं होना है। ए है बच्चों थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, क्या है के थर्मल कंडक्टिविटी। तो आपसे एम पूछेगा, निकाल लेंगे फार्मूला, आपसे ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आ जाता है कि क्या होता है स्लोप का फार्मूला, तो एच पी बाई ए के, ठीक है, याद रखना। यूनिट की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, यूनिट जो हो जाएगा इसका, यूनिट की बात करेंगे तो हो जाएगा मीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कितना आ जाएगा मीटर के इनवर्स आ जाएगा, आगे बढ़े। अब आते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ फिन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद इसमें देखेंगे क्या क्या रिलेशन है, टाइप्स ऑफ, पहला जो टाइप्स होते हैं बच्चा यहाँ पर, ठीक है, पहला जो लेंगे हम इनफाइनाइट, फाइनाइट फिन लेंगे, दूसरा लेंगे यहाँ पर, दूसरा लेंगे फिन जो लेंगे वो इंसुलेटेड एट टिप होना चाहिए, इंसुलेटेड एट टिप, टिप पे क्या होगा, इंसुलेटेड होगा। थर्ड जो लेंगे बच्चों यहाँ पर क्या लेंगे, थर्ड जो लेंगे फाइनाइट फिन, ये हो जाएगा फाइनाइट फिन, मतलब कुछ ना कुछ लेंथ उसका गिवन होगा, फाइनाइट फिन का मतलब हुआ लेंथ गिवन होगा, ठीक है, फाइनाइट का मतलब हो गया लेंथ गिवन होगा, ठीक है, फाइनाइट फिन कन्वेक्शन फ्रॉम टिप, टिप से क्या हो रहा है कन्वेक्शन हो रहा है, ये है, चलिए ये इस फिन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिन के बारे में डिस्कस करेंगे और क्या क्या रिलेशन आता है साथ साथ देख लेते हैं कि आपको आसानी से याद रहे। चलिए थीटा बाई थीटा नॉट का रेशियो कितना आएगा, थीटा बाई थीटा नॉट का रेशियो आता है ये, ठीक है, ई टू पावर माइनस एम एम, या इसको ऐसे भी ले सकते हैं बच्चे, थीटा बाई थीटा नॉट का मतलब समझते हो क्या होता है, अरे ये टी माइनस क्या हो जाएगा टी इन्फिनिटी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा टी नॉट माइनस, लिख लो ई टू पावर माइनस, पूरा लिख लो कि मतलब क्या होता है, इसकी जो होती है थीटा बाई थीटा नॉट की वैल्यू होती है, थीटा बाई थीटा नॉट की वैल्यू होगी, इसका मतलब क्या हो गया टी माइनस टी इन्फिनिटी अपॉन टी नॉट माइनस टी, इसकी वैल्यू होगी कॉस हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक हो जाएगा एम एल माइनस एक्स डिवाइड बाई कॉस हाइपरबोलिक एम एल, ठीक है, तो कॉस का भी एक हाइपरबोलिक सिंबल भी आता है कॉस एच, के बाद यह जाएगा एम एल माइनस एक्स कॉस एम एल। आज आप तीसरे में देखते हैं थीटा बाई थीटा नॉट होगा ये, इसका मतलब टी माइनस टी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा टी नॉट माइनस टी, वैल्यू होगा कॉस हाइपरबोलिक, सेम टू सेम वैसे है बस इसमें कैरेक्टरिस्टिक लेंथ आ जाएगा एम एल सी माइनस कितना हो जाएगा एक्स डिवाइड बाई एम कितना हो जाएगा एल, ठीक है, नहीं ये यहाँ पर कॉस हाइपरबोलिक आ जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक एम एल सी, ठीक है, सबका टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, उसका जो होता है फाइनाइट इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो होगा ई टू पावर माइनस एम एक्स,
और ये हो जाएगा एम एल। भाई ये इंसुलेटेड टिप्थ लेंथ आपके पास गिवन होगा, यहाँ से एक्स निकालेंगे कितने डिस्टेंस पे, यहाँ पे निकल जाएगा। ये सब क्वेश्चन आपको देगा रहे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में, बस आपको अगर आपसे पूछ लेता ऑब्जेक्टिव में फार्मूला वगैरह तो बस ध्यान रहे कि फार्मूला ऐसा होता है। हाँ, जो पूछा जाएगा बच्चों कैरेक्टरिस्टिक लेंथ पूछा जाएगा, एल सी की वैल्यू कितना होगा अलग अलग शेप के लिए, ये पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव। अगर रेक्टेंगुलर की बात करेंगे तो एल सी की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगा, एल प्लस पी बाई कितना हो जाएगा टू, ये हो जाएगा फॉर रेक्टेंगुलर, फॉर रेक्टेंगुलर विथ थिकनेस, विथ थिकनेस टी, ठीक है। तो क्या करना है आपको, रेक्टेंगुलर का जो भी फिन उसका लेंथ गिवेन होगा तो थिकनेस का क्या करेंगे टी बाई टू कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे, मतलब आधा कर देंगे गिवेन होगा रेक्टेंगुलर का। तो जैसे ये आपके पास सिंपल सा रेक्टेंगुलर फिन दे दिया है, ऐसे देखो लेंथ एल दिया है, इसका थिकनेस ये दे दिया है मोटा, थिकनेस का क्या लेंगे लेंथ तो ये लेंगे प्लस थिकनेस बाई टू कर देंगे, आपके पास गिवन हो जाएगा। बोलो ये हो जाएगा किसका, हो जाएगा रेक्टेंगुलर का। इसी तरह बच्चों अगर मैं क्या लूं सर्कुलर सेक्शन लेता हूं, क्या लेता हूं सर्कुलर, तो वहां पे आ जाएगा एल सी बराबर एल प्लस डी बाई फोर के फॉर सर्कुलर का मतलब पाइप का सर्कुलर ये हो गया, का डायमीटर क्या है डी बाई क्या कर देंगे फोर, ये आता है ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ पूछ लेता है कितना कितना लगेगा, टी बाई टू हो जाएगा ठीक है, के लिए रेक्टेंगुलर के लिए डी बाई फोर हो जाएगा, किसके लिए के लिए सर्कुलर के लिए। आइए हीट ट्रांसफर देखते हैं कितना निकलेगा, हीट ट्रांसफर की बात करेंगे तो बच्चों कितना होगा देखते हैं ठीक है, हीट ट्रांसफर कितना होगा, हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला डायरेक्टली मैं लिखता हूँ, हो जाएगा अंडर रूट एच पी एरिया, ये क्रॉस सेक्शन है बच्चों, क्रॉस सेक्शन एरिया है एच पी ए के ब्रैकेट क्लोज, हो जाएगा टी माइनस क्या हो जाएगा, बोलो सॉरी टी नॉट माइनस टी इनफिनिटी, वॉल का टेम्परेचर यानी बेस का टेम्परेचर माइनस टी इन्फिनिटी। अंडर रूट बच्चों कहाँ तक है, सिर्फ के तक है, टी पे नहीं है ना, अंडर रूट सब है एच पी ए के, एच हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, पी पेरीमीटर, ए एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया, और क्या हो जाएगा ए के क्या थर्मल कंडक्टिविटी, टी नॉट वॉल टेम्परेचर, टी एम्बियंट टेम्परेचर का ये गिवेन हो गया। आइए इसमें निकालते हैं, जो Q हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों भाई ये एच पी ए के, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है और यहाँ पे हो जाएगा टी नॉट माइनस टी कोई रहेगा, यहाँ पे एक वर्ड आ जाएगा टेन हाइपरबोलिक, टेन हाइपरबोलिक ये हो जाएगा एम एल, एम एल टेन हाइपरबोलिक एम एल, अलग से वर्ड आएगा टेन हाइपरबोलिक एम एल ठीक है। अगर मैं इसके लिए बात करूं बच्चों, इन सेक्शन के लिए बात करूं, जो हीट ट्रांसफर आएगा, इसके लिए जो हीट ट्रांसफर आएगा वो भी हो जाएगा एच पी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन
और ये हो जाएगा बच्चों यहाँ से टी नॉट माइनस टी इंटू टेन हाइपरबोलिक आएगा टेन हाइपरबोलिक हो जाएगा एम एल सी। जहां जहां देखो लेंथ आता था वहां कैरेक्टरिस्टिक लेंथ आ जाएगा, समझ आया? जहां जहां लेंथ आता था बच्चों वहां क्या आ जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक लेंथ आ जाएगा। आगे बढ़े, ठीक है? तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, खासकर जो क्वेश्चन ज्यादा पूछे आते हैं इससे पूछे आते हैं, इससे कम फार्मूला आपको याद होना चाहिए पूरा पूरा। ये वाला चीजें पहला इनफाइनाइट फिन्स वाले, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन या गेट वगैरह में, ये शुक्र में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आपके जेई वगैरह में बच्चों, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है? फार्मूला पूछ लेंगे, ये पूछ लेंगे, एम पूछ लेंगे, एम का फार्मूला, यूनिट वगैरह कुछ भी पूछ सकते हैं, और फिन्स वगैरह क्या काम करता है इसका, सीधे सीधे थ्योरेटिकल पार्ट पूछ लेंगे। बोलो, आगे बढ़े। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चा हर जगह पूछा जाता है, अब आता है जो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी ऑफ फिन। तो हम बात करेंगे इफेक्टिवनेस की, एंड एफिशिएंसी की बात करेंगे, यहां दोनों चीजें बात करेंगे। ठीक है, हम बात करेंगे इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का फिन, दोनों में क्या है, तो दोनों से क्वेश्चन पूछे आते हैं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिवनेस क्या होता है? जो हीट ट्रांसफर होना चाहिए आपके पास, इफेक्टिवनेस को जो सिंबल है इसे ई से, ऐसे आप चैनल ई से ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है? ये इफेक्टिवनेस का जो सिंबल होता है ये है। इफेक्टिवनेस क्या होता है? जो हीट ट्रांसफर होना चाहिए विथ फिन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? फिन से होने वाला जो हीट ट्रांसफर है वो होना चाहिए, और क्यू जो होना चाहिए विदाउट फिन, विदाउट फिन। एक बार फिन लगा को हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है और बिना फिन के कितना हीट ट्रांसफर है, इन दोनों का रेशियो निकाल लोगे तो क्या जाएगा, क्या जाएगा? इफेक्टिवनेस आ जाएगा, ठीक है? एफिशिएंसी की बात करेंगे तो एफिशिएंसी को सिंपल ऐसे डिनोट करते हैं बच्चों, ठीक है, नीटा से ऐसे, और ये जो होता है क्यू एक्चुअल, मतलब एक्चुअल में कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, और क्यू क्या होगा मैक्सिमम कितना हीट ट्रांसफर हुआ होगा, इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्चुअल मतलब है। मैंने बोला बेटा कि अगर मान लो जिसमें थर्मल की बात करता हूँ तो एक इंजन की एफिशिएंसी 100% है तो आप चलाओगे, हो सकता है 80 मिले। आप गाड़ी के एवरेज में बोलता हूँ बच्चों एवरेज 70 किलोमीटर है, हो सकता है आप चलाते हैं 40 आ जाएगा, एफिशिएंसी क्या आ जाएगा 40/70, यही तो मैक्सिमम मैंने बोल दिया, एक्चुअल कितना आ रहा है। तो वो चीज़ें आपसे क्या एफिशिएंसी पूछ सकती है, और विद फिन और विदाउट फिन का रेशियो निकालेंगे तो आपके पास क्या जाएगा, इफेक्टिवनेस आ जाएगा, क्या जाएगा, इफेक्टिवनेस। तो चलिए दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों, सिंपल सा, विथ फिन अगर मैं निकालूंगा तो इसका जो फार्मूला है क्यू क्या है, एच पी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, और ये फार्मूला क्या था बच्चों, टी नॉट माइनस इंफिनिटी अगर मैं इनफाइनाइट की बात कर रहा हूँ फिन की, और अगर मैं सिंपल बोलूंगा विदाउट फिन, कोई फिन ही नहीं है, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, हीट ट्रांसफर मैंने बोला था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, सिंपल सा कितना हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एच ए डेल्टा टी नॉट माइनस कितना हो जाएगा, यही होगा, अरे यही होगा, ये मैक्सिमम होगा विदाउट फिन का हीट ट्रांसफर, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, इफेक्टिवनेस की वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, देखिए टी नॉट से ये तो कट जाएगा, बोलो यहाँ से बच्चों ये कट गया, अगर आप इसके अंदर ले जाओगे
के अंदर ले जाओगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा दोनों, बोलो ये एच पी क्रॉस सेक्शन है के है और नीचे जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, भाई रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा ना, एक एच एच कट जाएगा और एक क्रॉस सेक्शन कट जाएगा तो बच्चों क्या बचेगा, तो पी और के बचेगा ना यहाँ पर, बोलो पी के वाई क्या हो जाएगा एच ए, ठीक है, या इसको बच्चों और कर लो, इसको काम करो, इसको और तरीके से कर लिख सकते हैं तो इनवर्स कर दें, अच्छा ये अंडर रूट एच ए बाई के पी हो जाएगा, तो बात तो वही है, इसको वन बाई कर दोगे तो क्या के पी बाई एच हो जाएगा, ये ऐसे लिख लो, बोलो बोलो हो सकता है ऐसे, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, सिंपल सा कहें बच्चों इफेक्टिवनेस क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी, या तो ये कर लो अंडर रूट पी के बाई एच एरिया क्रॉस सेक्शन या वन अपान एच ए बाई के पी, या तो देखो हम याद किए थे बच्चों कैसे किए थे, जैसे हम याद करते हैं बच्चों हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट हाई कपिल, तो एच ए से एच ए हो गया के से हो गया कपिल, तो सिंपल सा एच ए बाई के हाई कपिल, ठीक है वन बाई अंडर रूट हाई कपिल, या आप ऐसे कर लो या डायरेक्ट लिया लो पी के बाई एच ए, या ऐसे देख लो अंडर रूट कपिल हाई, ठीक है तो याद रखने का तरीका है क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फार्मूला याद होना ही चाहिए आपके पास, चाहे जेई कर रहे हैं चाहे ये 100% छाप लो दिमाग में, ये याद होना चाहिए, ठीक है अंडर रूट कपिल हाई के पी हाई एच ए, ठीक है अंडर रूट ये जैसे भी कर लो, जैसे याद करना है याद कर लो अपने तरीके से। दूसरा बात यह कि अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूंगा तो क्यू मैक्स क्या हो जाएगा एक्चुअल, क्यू एक्चुअल बच्चों कैसे निकालेंगे, ये एक्चुअल आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है किसे अंडर रूट एच पी एरिया अब क्रॉस सेक्शन, ठीक है और क्या हो जाएगा के, और ये हो जाएगा टी नॉट माइनस क्या हो जाएगा टी इन्फिनिटी, बोलो और ये मैक्सिमम हीट ट्रांसफर बच्चों कब हो सकता है ये निकालना है, ये तो विदाउट था, मैक्सिमम हीट ट्रांसफर के लिए याद रखना है, बच्चे यही गलती करते हैं, यहाँ से जो होगा अब ये एच ए डेल्टा टी तो लिखते हैं, अब ये जो होगा सरफेस एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं होगा, अब सरफेस एरिया होगा, समझ में आया, सरफेस एरिया मतलब देखो ये अगर मैं कहूँ ऐसे हीट ट्रांसफर हो रहा है, ये बेस हो गया हीट ट्रांसफर, फिर में ऐसे हो रहा है देख रहे हो भाई, ये बेस हो गया हीट ट्रांसफर, ये क्या है फिन है, हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो सिर्फ ये बात करूँगा ये टिप की बात करूँगा तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया दिख रहा होगा, ये तो क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर निकालने का बच्चों अगर मैं बोलूं तो क्रॉस सेक्शन एरिया निकालने का तरीका बताऊं तो कितना हो जाएगा, अगर ये सर्कुलर है तो कितना हो जाएगा पाई बाई फोर पर, बोलो अरे यही क्रॉस सेक्शन एरिया दिख रहा है आपको, सरफेस एरिया बच्चों पूरा ये वाला सरफेस, ये देखो पूरा सरफेस, समझ में आया, ये सरफेस एरिया हो गया, क्या हो जाएगा सरफेस एरिया हो जाएगा, तो सरफेस एरिया में जो मैक्सिमम हीट ट्रांसफर होगा इस पे होगा पूरा एफिशिएंसी निकालते वक्त, क्यू एक्चुअल तो सेम टू सेम क्रॉस सेक्शन एरिया में हो रहा है ये, और ये क्या हो रहा है सरफेस एरिया हो रहा है, ए एस क्या है सरफेस एरिया, याद रखना है ए एस जो है यहाँ पर सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया, समझ में आया, सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे पेरीमीटर इंटू एल, कैसे निकालेंगे सरफेस एरिया निकालेंगे पेरीमीटर पताना चाहिए और टोटल लेंथ पताना चाहिए, आ जाएगा आपके पास एल, बोलो भाई पेरीमीटर, पेरीमीटर पता होगा और टोटल लेंथ एल, पेरीमीटर निकाल सकते हो सर्कुलर है, सर्कुलर है पेरीमीटर क्या हो जाएगा पाई डी, और लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई डी एल हो जाएगा, नहीं समझे ये,
पेरीमीटर एल, तो पेरीमीटर एन निकालेंगे तो क्या जाएगा, हाँ ये। तो बच्चों अब इसको बाद यहाँ पे रख के देखो तो ये तो कट जाएगा, अब यहाँ पे रख के देखते हैं, तो यहाँ पे देखो रख के देखते हैं तो क्या मिलता है आपके पास, तो अंडर रूट, अगर ये अंदर जाकर स्क्वायर हो जाएगा तो एच से एच ये कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा एच, और तो क्या बचेगा यहाँ पे रख के देखते हैं, एच पी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपके पास गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टू के, और डिवाइड बाई करेंगे तो एच स्क्वायर, और क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सरफेस का, बोलो एच से एच कटा, एरिया ऑफ जो सरफेस है इसको सामने रख दूं पी एल का स्क्वायर, बोलो सरफेस एरिया का स्क्वायर है, इसका मतलब इसका स्क्वायर है, इसका मतलब हो गया बच्चों इसके जगह P इंटू एल का स्क्वायर करेंगे, बोलो तो पेरीमीटर से क्या हो जाएगा P स्क्वायर से P स्क्वायर कट जाएगा, यहां से भाई यहां से P स्क्वायर जाएगा L स्क्वायर जाएगा, इससे P कट जाएगा, तो बचेगा नीचे HP, बोलो और HP इधर कट गया, A बचा है यहां पे K बचा है, और यहां पे देखो हाँ, तो बचेगा क्या आपके पास सिंपल सा, तो यहां बचेगा देखो सिंपल सा बचेगा क्या है, ए क्रॉस सेक्शन ए, और यहां बचेगा एच पी एल बचेगा ना, एल स्क्वायर बचेगा, तो याद है आपको, एम क्या होता है अंडर रूट एच पी ए के, ये होता है एम, इसको मैं डिवाइड इधर कर दूं, बोलो वन डिवाइड बाई कर दूं अगर क्या मिल जाएगा, देखो इसको मैं डिवाइड करता हूं तो वन डिवाइड बाई अंडर रूट कितना हो जाएगा ये बच्चों, यहां से देखो उठा के, एच पी एल स्क्वायर बाई एच पी एल स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा भाई अंडर रूट इसके साथ ले लें एच पी ए बाई ए के, वन बाई अंडर रूट एच पी क्या हो जाएगा ए के, और इंटू एल बाहर हो जाएगा तो एल बाहर निकल जाएगा, एच पी ए के एल बाई क्या है एम है बचेगा, बोलो एम का फॉर्मूला देखो यहाँ से है एच पी बाई ए के, यहाँ से देखो एच पी बाई ए के एम है, वहाँ पर रख दिया, तो आपको याद रखना नहीं बस याद रखना है वन बाई एम एल, समझ में आया, एफिशिएंसी क्या याद रखनी है सिंपल सा, इसकी जगह मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आप तो तीन पाँच न करके, अब यहाँ पे लिख दूँ तो एफिशिएंसी आ जाएगी क्या हो जाएगी वन बाई वन डिवाइड बाई एम एल, ये इन्फाइनाइट के लिए है बच्चों, ठीक है समझ आया, तो एफिशिएंसी आपके पास गिवन हो गया वन बाई एम एल, और क्या हो गया इफेक्टिवनेस आपके पास गिवन हो गया, क्या गिवन हो गया अंडर रूट पी के बाई एच ए, याद हो गया दोनों, दोनों याद रखने हैं, ये भी इंस्टार लगा लो, इसको भी याद रखने हैं, अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन में दे दिया ये तो इनफाइनाइट के लिए बच्चों, किसके लिए ये चीज़ें क्या है इनफाइनाइट लेंथ के लिए ले लिया हमें, इनफाइनाइट फिन है लेंथ वगैरह नहीं दिया है, अगर फाइनाइट वगैरह दिया होगा तो कैसे लिखेंगे, फाइनाइट वगैरह जब बच्चों दिया होगा आपके पास ठीक है, अगर फाइनाइट लेंथ अगर दिया हो तो उसके लिए कितना इफेक्टिवनेस जाएगा, फाइनाइट फाइनाइट क्या होगा यही है, फाइनाइट लेंथ अगर दिया हो तो उसके लिए इफेक्टिवनेस की बात करेंगे तो टेन हाइपरबोलिक एम एल बाई अंडर रूट एच ए बाई के हाई कपिल, भाई पहले वन बन हाई कपिल आता था एच बाई कपिल, तो अब आ गया टेन हाइपरबोलिक एम एल आ जाएगा ऊपर,
इसी तरह एफिशिएंसी की बात करेंगे फिन की, अगर आपसे लेंथ दिया हो तो इस पर भी अपन टेन हाइपरबोलिक एम एल आ जाएगा डिवाइड बाई एम एल हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ वही रहेगा वन अपन एम एल के ऊपर आ जाएगा टेन हाइपरबोलिक एम एल आ जाएगा, क्या आ जाएगा टेन हाइपरबोलिक एम एल आ जाएगा। ज्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बच्चों इससे, ये वाला क्वेश्चन इनफाइनाइट, मैंने बोला कि इनफाइनाइट से ही आपके पास जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे इससे, अगर मान लो आप फाइनाइट कर रही है तो ये दोनों चीजें याद रखिए कि ऊपर जो टाइन हाइपरबोलिक एम एल आ जाएगा नीचे वन अपन ये हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा ये ऊपर आ जाएगा नीचे ये हो गया, ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बच्चों निकालने का तरीका क्या था, पाई बाई फोर डी स्क्वायर, एरिया सरफेस एरिया हो जाएगा पी इंटू एल, दोनों का अंतर समझ आया, बोलो। अगर मैं कहूँ बच्चों सिंपल सा जो आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एफिशियंसी ऑफ फिन और इफेक्टिवनेस ऑफ फिन का रेशियो कितना होता है ये बता दो, हमें पता है एफिशिएंसी ऑफ फिन का फॉर्मूला है एम एल, बोलो जी भाई, वन डिवाइड बाई एम एल होता है एफिशिएंसी, और इफेक्टिवनेस क्या होता है वन अपॉन अंडर रूट एच ए बाई, ठीक है ये होता है, तो वन वन तो कट जाएगा दोनों, ऊपर क्या हो जाएगा ये ऊपर चला जाएगा, बोलो काम करते हैं इसको रूट में लेते हैं एच, नहीं रुको पहले ये जाएगा तो एच ए बाई कितना हो जाएगा केपी, नीचे क्या हो जाएगा एम एल, एम को रूट में कैसे लिख सकते हैं, एम को रूट में बच्चों चेंज कर लो कितना हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा एच पी बाई क्या हो जाएगा के, हेलो अच्छा यही था, याद है हम लोग जब करे थे रेशियो निकाले थे एमएल का ये वाला, ये वाला निकाले थे बच्चों, तो यहां से क्या मिला था हमको ये चलिए अब अच्छा यहां से निकालिए क्या आता है देखो आप, तो अब देखोगे क्या बच्चों यहां मिलेगा, अभी यहाँ पे L भी तो है, अरे L भी तो है ना, L स्क्वायर ले लेते हैं, बोलो अब इसको सॉल्व करोगे तो इसके बाद अंडर रूट में ले जाते हैं, तो अंडर रूट में आ जाएगा ये H A, तो ये जो होता है पहला जो होता है सर्फिस क्या क्रॉस सेक्शन क्या होता है और K इंटू P और डिवाइड बाई क्या है यहाँ पर H L स्क्वायर भाई क्या हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ये गिवन, तो देखते हैं कटेगा पिटेगा कुछ कटेगा क्या होता है, तो अब आपके देखो यहां से क्या बन जाएगा अंडर रूट एच ए क्रॉस सेक्शन भाई क्या हो जाएगा के पी, ठीक है इसको पलट दोगे तो बच्चों क्या हो जाएगा ये ए सी बाई के ये क्या हो जाएगा पी एल स्क्वायर, एस एच कटेगा और क्या कटेगा के से के कटेगा और क्या कटेगा एरिया क्रॉस सेक्शन का स्क्वायर हो जाएगा अंदर, बोलो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा पी स्क्वायर एल स्क्वायर, बोलो अब पी स्क्वायर एल किसका एरिया है सरफेस एरिया है क्या, तो अब रूट आप ये तो क्या हो जाएगा तो अंडर रूट क्या जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइड बाई एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों, यहाँ से एफिशिएंसी ऑफ फिन इफेक्टिवनेस ऑफ फिन का जो रेशियो हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया डिवाइड बाई एरिया क्या हो जाएगा इस एरिया,
आपको मैं बता देता हूँ कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया लिखते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया लिखते हैं पाई बाई फोर डी स्क्वायर लिखते हैं, और जो एरिया ऑफ सरफेस लिखते हैं वो पेरीमीटर इंटू एल लिखते हैं। ठीक है, पूछ देता है आपसे द रेशियो ऑफ क्या एफिशिएंसी ऑफ पेन एंड इफेक्टिवनेस इज द ऑप्शन दिया होगा द रेशियो ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड क्या हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया डिवाइड बाई क्रॉस सेक्शन सरफेस। हो गया, याद रखना दोनों में इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला लिख लो, ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ज़्यादा ये नहीं, बस ये रखना कि एफिशिएंसी ऑफ फिन और इफेक्टिवनेस फिन का रेशियो निकालेंगे तो ए क्रॉस सेक्शन डिवाइड बाई ए सरफेस एरिया आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और ए क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, ए फाई बाई फोर डी स्क्वायर, ए सरफेस एरिया क्या होता है पी एल। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, बाकी इसमें फिन की बात करेंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक है कल दिखाएंगे और उस पर क्वेश्चन करेंगे। फिन पे जो क्वेश्चन आए हुए हैं कब इंपॉर्टेंट है, कब डिक्रीज कभी इंक्रीज करता है, चीज़ों को लेकर कल डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।